डर गई चाची देव कैसे तो ज्यादा फिर बड़ा लगान चाहिए यहाँ से ऐसा चैन ने कैसी मेहंदी लगाई बिल्कुल लड़कियों वाली लगवाई है ये मैं। हाय गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग्स। आज हम लोग जा रहे हैं चौथी चलाने के लिए और कल थी शादी तो शादी में तो मैंने ऐसी उल्टा सीधा व्लॉग बनाया था, कुछ भी ज्यादा अच्छे से नहीं बना पाया था क्योंकि इतना ज्यादा भगदड़ हो रही थी मैं क्या बताऊं। और देखो हमारी गाड़ी में कौन कौन है, चांद है, अयान है, अमान्या है और ये असद है मेरी चाची का लड़का और आलिया, तो हम लोग साथ में और एक और गाड़ी जा रही है साथ में और अभी पहुंचते हैं और मुस्कान से मिलेंगे पूरा एक दिन बाद। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुस्कान अब घर में नहीं है, बहुत ज्यादा अजीब सा ही लग रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि मुस्कान चली गई है, क्या बताएं। गाइस देखो अंधेरा होने लगा है, हम लोग ना थोड़ा लेट हो गए, बहुत कोशिश करी जल्दी जाने की लेकिन नहीं जा पाए, 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत करी लेकिन वही है ना कि कभी कोई तैयार नहीं हो रहा, कभी कोई तैयार नहीं हो रहा, कहीं कोई लेट कर रहा है, कहीं कोई लेट कर रहा है, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गए, अब लौटते टाइम रात हो जाएगी। कहीं भी जाओ ना तो अमान्या बस इस ड्रॉअर को बार बार खोलेगी, बार बार बंद करेगी, चुपचाप से बैठ ही नहीं सकती। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था और ये देखो सबके सब कैसे डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हम लोग इतने थके हुए थे क्योंकि हम लोग अगले ही दिन जा रहे थे लेकिन फिर भी हमारी मस्ती देखो नेक्स्ट लेवल है। पहचाना नहीं अपनी खाला को है, डर गई। हम जैसे ही मुस्कान के पास गए ना अमान्या ऐसे डर रही थी क्योंकि ना इसको कहीं भी नई जगह ले जाओ ना तो थोड़ी घबरा सी जाती है। अच्छा हमारे यहाँ ना ऐसा होता है कि जो न्यूली वेड ब्राइड होती है ना उसको ना मतलब शादी से पहले ब्लैक चूड़ियाँ और शादी के बाद ना ग्रीन चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, तो वो ना कुछ टाइम तक पहने रहते हैं, चाहे एक एक पहनो चाहे दो दो पहनो लेकिन कुछ टाइम तक पहने रहना पड़ता है। सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल होता है। जब चौथी चलाने जाते हैं ना तो एक रस्म और होती है जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें ये होता है कि भाई जो होता है ना वो अपनी बहन की गोद में कपड़े और मिठाई का डब्बा और पैसे ये सब रखते हैं। मांगांग मर के नहीं नने नहीं नवेली दुलाना है क्या वही तो देखा नहीं कान सोच रही है कब भागूं यहां से, लंबी उम्र होगी रोशन इसीलिए भर रहे हैं तो ज्यादा फिर बड़ा लगान चाहिए यहां। कुछ लोग बोलते हैं कि आप मांग क्यों नहीं भरते हो, तो पहली बात तो मेरे ससुराल में कोई नहीं भरता है और दूसरी बात मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। गाइस देखो चांद ने कैसी मेहंदी लगाई बिल्कुल लड़कियों वाली लगवाई है, ये मैंने लगाई, किसने मैंने लगाई मैंने। चलो गाइस यहाँ पे देखो चाची की लड़की बहुत रो रही थी तो चाची से बाहर ले गई। फाइनली अब हम लोग मुस्कान को लेकर जा रहे हैं घर और यहाँ से निकलते निकलते ना 12:30 बज गए थे। मुस्कान जैसे ही घर पे आई ना तो यहाँ पे चाची कुछ रसम कर रही है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको अगर पता हो आप क्या होती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतनी रात हो गई थी 12:30 बज गए थे तो एनर्जी लेवल इतना डाउन हो गया था कि ब्लॉग तो बन ही नहीं रहा था और ये मेरी बड़ी चाची हैं।
बच्चा पार्टी का एनर्जी लेवल देखो, इतनी रात हो गई फिर भी इन लोगों को नींद नहीं आ रही है, सारी चीज देख कर ही सोएंगे ये लोग। तो सब यहाँ पे बहुत खुश थे मुस्कान के आने से, लेकिन एकदम हम जैसे ही घर पे पहुंचे ना वैसे ही कपड़े वपड़े चेंज करके सब लोग सो गए। चलो बच्चे ये लोग वालेकुम अस्पताल वालेकुम सलाम। सारे काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहे थे। 10 तारीख को मुस्कान की शादी थी, अगले दिन हम लोग चौथी जलाने गए और उसके अगले दिन ना मुस्कान फिर से वापस चली गई। और उसके अगले दिन हम लोग अब वापस जा रहे हैं अपने घर। यहाँ पे खाला मम्मी अम्मी सब लोग ना विदा कर रही हैं हम लोगों को। जाते टाइम ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सब लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रो भी रहे थे। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे रुके रुके, इसलिए हम लोग वापस जा रहे थे। बहुत दिन हो गया, अपने घर को भी नहीं देखा है, घर भी बंद है। और ये देखो मेरे सब्सक्राइबर लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे भी ना ज़्यादातर लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे कभी नहीं आई लेकिन फिर भी लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं और मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें सुन के देख कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब घर पे जा रही हूँ, थोड़ा इमोशनल लग रहा है, थोड़ा बुरा लग रहा है, पर कोई नहीं, एक ना एक दिन तो ऐसा आता ही आखिर। लेकिन ये सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जहाँ नहीं भी जाते हैं वहाँ भी लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हमें इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं। उन सभी लोगों को मेरी तरफ़ से दिल से थैंक यू जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं। बस अपना प्यार अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना। रास्ते में ना ये वेज बिरयानी थी जो कि बहुत टेस्टी लग रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी खा ले रहे हैं। मान्या भी बहुत एक्साइटेड होकर खा रही थी। आई नो मैंने ये ब्लॉग उतना अच्छा नहीं बना पाया क्योंकि जब हम दिल से इमोशनल होते हैं ना, जब हम थोड़े से परेशान होते हैं, तो पता नहीं क्यों ब्लॉगिंग वगैरह करने का या सब करने का उतना मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने बना ली क्योंकि आप सभी लोग कमेंट करते हो कि हमें चौथी वाला ब्लॉग चाहिए, हमें उसके बाद का ब्लॉग चाहिए, इसीलिए। और हम अब घर पर आ गए हैं, घर भी थोड़ा गंदा हो गया था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था घर पर आके। बहुत मिस किया मैंने अपने घर को, अब जल्दी जल्दी से अपने घर को फिर से सेट करना है, अच्छा करना है। एंड आप लोगों को नए नए व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे, नया नया कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। बस अपना प्यार साथ सपोर्ट सब कुछ बनाए रखना हमारे ऊपर। कई बार ना मेरी एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो जाती है, लेकिन जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना इतने प्यारे प्यारे से, तो फिर से एनर्जी आ जाती है और फिर से ताकत आती है कि नए नए व्लॉग्स बनाऊँ। कई दिनों की गर्मी के बाद बारिश का मौसम, सुहाना सुहाना, बहुत अच्छा लग रहा था। आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।